हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे में माँ सरस्वती को कैसे खुश करें, उन्हें कौन सा फूल चढ़ाकर प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। सरस्वती माँ का प्रिय फूल। माँ सरस्वती शांत एवं सौम्य मूर्ति हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए सफेद अथवा पीले रंग का फूल चढ़ाएं। सफेद गुलाब, सफेद कनेर, चंपा एवं गेंदे के फूल से माँ खुश होती है। इससे ज्ञान व बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। माता ब्रह्मचारिणी को भी यह फूल पसंद है। सरस्वती जी को पीले पुष्प अर्पित करें। गेंदा का फूल आसानी से उपलब्ध होता है। पीले फूल न हो तो नीले फूल चढ़ाए जा सकते हैं, जैसे अपराजिता। माना जाता है कि नीला फूल चढ़ाने से बच्चे बुरी गति में नहीं पड़ेंगे। कुछ जगहों पर पलाश फूल के बिना कला की देवी की आराधना नहीं होती। माँ की तस्वीर पर पीले रंग के फूलों की माला भी चढ़ाएं। इस दिन विष्णु जी के तस्वीर पर भी पीले रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि विष्णु जी को प्रसन्न करने से उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। बच्चों के लिए कहा जाता है कि वे नीले रंग की स्याही और नीले रंग की कलम का इस्तेमाल करें तो अच्छा प्रभाव होता है। सुबह उठकर बच्चों को अपनी हथेली देखने को कहें। कहते हैं देवी सरस्वती का वास हथेलियों के मध्य में होता है। सरस्वती पूजा में पीले रंग का महत्व। बसंत की देवी माँ सरस्वती को माना जाता है और उनके जन्मोत्सव के साथ ही बसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है। खेती में पीली सरसों के फूल प्रकृति की गोद को पीली चादर से ढक देते हैं। वहीं माँ सरस्वती का प्रिय रंग भी पीताम्बर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में हर वस्तु पीत वर्णित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.